नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू में आज नगर परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। शहर की नई सरकार बनने के बाद यह पहली साधारण सभा की बैठक थी। इस बैठक में सभापति पायल सैनी, आयुक्त अभिलाषा सिंह व उप सभापति सहित शहर के पार्षद उपस्थित थे। आयोजित सभा में मुख्य रूप से चार एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें भवन निर्माण, खाद्य सुरक्षा, अंबेडकर मार्केट सहित एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं सभा में अंबेडकर मार्केट को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक झोंक भी देखी गई। निरस्त करने के बाद आपने कैसे गई आपने नहीं उठाने दिया। आपने वो अंबेडकर मार्केट जहाँ पे अलॉट हुई, आपने वो जगह देखी है? हाँ, कितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर ये देखा आपने उसको? ठीक, कितने सालों में अपने टाइम अपन ने बहुत अच्छी बात है, जैसा आप सबका मन था काम भी वैसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो राशन डीलरों के पास है, जो गेहूं आ रहा है ना, उसकी क्वालिटी मैडम ऐसी है कि जानवर के सामने रख कर वो भी निकाल। सही बात है, प्लीज मैम आपके डीएसओ को कुछ इस प्रकार से कोई अपना बात यह है कि जो हरिजनों को दिए हुए, जो गरीब आदमियों को ये दुकानें दी गई, आउंटेन करी गई है, आज कितने वर्षों से है ये सबको चूरू में मालूम है। इतने दिन यहाँ पर कोई वहाँ पर रख रखाव नहीं था, कहीं पानी बिजली की समस्या थी, कहीं यहाँ उजाड़े हुए पड़े हुए थे, कहाँ पर वो लोग बैठे गंदगी भी थी, गंदगी थी उस टाइम। आज वहाँ पर दुकानें खुल रही है, कल हमने जाकर देखा, इसका निरीक्षण किया, एजेंडे में कॉपी में ये एजेंडा आया है तो हमने जाके देखा है, वहाँ पर बैठे हैं लोग और ये अपनी दुकानें खोल रखी है। इनके पास रसीदें भी है, इनके पास पट्टा भी है, ये बोल रहे हैं ये पट्टा हमने आई कहा मैडम को कि सभापति महोदय नकल दी हुई है, सभापति महोदय को हमने यही निवेदन किया है कि सभापति महोदय आप एक महीने का टाइम दे के इस दलितों के साथ अन्याय नहीं करें, इसके साथ न्याय करें। तो सभापति महोदय ने कहा कि नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। उसके बाद उसने वोटिंग करवाई, तो वोटिंग में हमारा बहिष्कार है और हम वोटिंग नहीं करेंगे और हम दलितों के साथ है। 20 वर्षों से दलित के साथ आज बीजेपी ने कोई अन्याय नहीं किया है। आज कांग्रेस के सभापति महोदय आते ही और आज इसका आशियाना उजाड़ रही है, तो ये हमें विरोध है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और चार एजेंडे रखे गए थे, चारों के चारों पास हो गए हैं। मैडम, चौथे मुद्दे को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चौथे मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन वो विवाद बिल्कुल भी जायज नहीं था, क्योंकि मेरे आने से पहले से इनको नोटिस दिया हुआ है कि ये इनको 1980 या 83 के अंदर इनको ये जमीनें आवंटित की गई थी और उस टाइम इनको व्यापार खोलने के लिए वो जमीन दी गई थी, और आज तक इतने सालों के बाद भी व्यापार नहीं खुला है। फिर भी मेरे से पहले जो फाइल है मैंने उसमें देखे, इनको बार बार नोटिस दिया गया है, अखबारों में बार बार डाला गया, उसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ पे व्यापार नहीं खोला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोबारा से इसको निरस्त करके दोबारा से जमीन आवंटित की जाएगी, और जिस हिसाब से नगर परिषद की आज हालत है तो थोड़ी आय में भी वृद्धि होगी और बाकी शहर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो पाएगी, संसाधन हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे। इससे इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको निरस्त करके दोबारा से आवंटित की जाएगी और उसमें SC ST को दोबारा से प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये एक महीने का समय विपक्ष ने मांगा था, क्या वो समय दिया जाएगा? आज निरस्त कर दिया गया? नहीं, वो पहले समय दिया जा चुका है, विपक्ष का तो काम है मुद्दे को उसका विरोध करने का, लेकिन पहले समय दिया जा चुका है। फाइल में बार बार समय देने का मतलब कुछ है नहीं, वो दो दुकानें आके खोल लेते हैं, फिर बाद में एक महीने बाद वापस वो दुकानें बंद हो जाती है। और आज जो हालत है उस अम्बेडकर मार्केट की, वहाँ पे बहुत सारे मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे अलग काम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं, उनको देखते हुए वो मेन मार्केट है, नेचर पार्क के सामने है, उसको देखते हुए निरस्त किया जाए। सरदार शहर में कल देर रात बहादुर सिंह कॉलोनी के पास एक व्यापारी के 7 लाख रुपए की लूट होने का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार सौरभ रातू सरिया कृषि उपज मंडी में स्थित दुकान से अपने घर जा रहा था, उसकी बाइक बहादुर सिंह कॉलोनी के पास पहुंची तो मंडी से पीछा कर रही कार में सवार 4-5 बदमाश नीचे उतरकर व्यापारी के साथ मारपीट करने लगे। वह करीब 10 लाख रुपए लूट कर कार में सवार होकर भाग गए। वही सूर्य मंदिर के पास बदमाशों की कार सामने से आ रही कार से टकरा गई, जिसके कारण बदमाश कार छोड़कर भाग गए। सूचना मिलते ही DSP गिरधारीलाल शर्मा, ASHO महेंद्र दत्त शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे व जानकारी प्राप्त की। घटना के बाद खंगाले गए CCTV फुटेज में लगभग 5 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। अब ये रात को करीबन 7:30-8 बजे की घटना है।
ये व्यापारी थे अपने सौरभ जी, ये कोई अपना दुकान बंद करके घर जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। इनके साथ एक कार सवार 4-5 जनों ने रोक कर मारपीट करी और इनका बैग छीन कर ले गए, जिसमें 12,80,000 रुपये उन्होंने बताया थे बैग में वो ले गए। इस संबंध में पुलिस ने रात भर से लग रही हैं, टीमें गठित की गई हैं और कई महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे और जल्दी मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर जो कार थी वो आरोपियों की थी उसका कुछ पता चल गया? जो कार मिली है वो जो घटना कारित करने वाले लोग थे उन्हीं की थी और इस संबंध में पुलिस आगे काम कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने आज बीदासर के गणगोरी चौक में 25 लाख रुपए की लागत से बनी इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने यहां लोगों से संवाद किया और उनके अभाव अभियोग सुने। इस दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बीदासर नगर पालिका को 1 करोड़ रुपए विकास के लिए देने की बात कही व बीदासर अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने का आश्वासन दिया। सुजानगढ़ में बंदरों के आतंक से शहरवासी काफी परेशान हो रहे हैं। पिछले काफी दिनों से बंदर शहर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। लगभग 50 लोग इन बंदरों के काटने से घायल भी हो चुके हैं। पीड़ित लोगों ने इनसे मुक्ति पाने के लिए जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। बंदरों के आतंक से प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, के अंदर लगभग 6 माह से बंदरों का जो 15-20 बंदर है उनका आतंक है। वो घरों में घुस जाते हैं, सामान की तोड़फोड़ करते हैं, कम से कम 40 से 50 लोगों को काट खाया है। इससे पूर्व भी एक वैविता की मौत इन बंदरों के आतंक से हो गई थी, जिसकी FIR सुजानगढ़ पुलिस थाने में पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज करवाई थी, परंतु प्रशासन ने इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने जिला कलेक्टर महोदय को जाकर स्वयं खेमाराम जी मेघवाल के समर्थन में उनके साथ में जाकर अवगत करवाया, उन्होंने निर्देशित भी किया, परंतु उस निर्देश का भी इनके ऊपर कोई पालना नहीं की गई। अब आज अभी परसों ही कम से कम 4-5 लोगों को इन्होंने काट गया है और इसी के विरोध में आज हम यहां पर उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं जिला कलेक्टर के नाम एक प्रार्थना पत्र देने और बंदरों से आतंक से मुक्त करवाने के लिए। चिकित्सा विभाग की ओर से आज इंद्रमणि पार्क चूरू में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत लोगों को गर्म दूध पिलाकर नए साल की शुरुआत शराब नहीं दूध के साथ करने का संदेश दिया। NCD के तहत यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सर्वा ने किया व लोगों को गर्म दूध पिलाकर स्वास्थ्य संदेश दिया। आज 31 दिसंबर को नववर्ष के आगमन पे और जो ये वर्ष है इसके विदाई के उपलक्ष में आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टोबैको और ये दारू छोड़ो दूध पियो की थीम पे अपन ने जो मुख्यमंत्री महोदय की जो मेन थीम रखी गई है इसके उपलक्ष में अपने आज ये इंद्रमणि पार्क में ये अपने ये शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अपने आमजन को दूध पिलाया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की चेकअप किया जाएगा और तंबाकू परीक्षण जो टोबैको यूज करते हैं उनके सेवन करते हैं उनकी जांच की जाएगी। नई साल पे कि दारू छोड़ो दूध पियो के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि 31 तारीख को लोग जो भी शराब वगैरह पीते हैं शराब ना पीके दूध पिए और नशे से दूर रहे, इसके लिए हमने प्रोग्राम रखा है। उसमें NCD का कैंप भी है साथ में, जिसमें BP शुगर वगैरह की जांच होगी और नशा मुक्ति से करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच सखिया शाखा सुजानगढ़ के तत्वाधान में वाल्मीकि बस्ती में स्थित 6 नंबर विद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्रकल्प सौंदर्यम एक कदम स्वावलंबन की ओर कार्यक्रम का कल समापन हुआ। मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. शर्मिला सोनी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच की सखियों द्वारा विद्यालय की प्रशिक्षित बालिकाओं को मैनिक्योर पेडिक्योर के किट वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रशिक्षक सुनीता रवतानी ने जरूरतमंद बालिकाओं के निःशुल्क दुल्हन मेकअप व ब्यूटी प्रशिक्षण की भी घोषणा की। हमने मैनिक्योर और पेडिक्योर गिफ्ट्स बांटे हैं संस्था की ओर से और वैसे 7 दिन का ये कार्यक्रम था। बच्चों को 7 दिन में मारवाड़ी युवा मंच
सुजानगढ़ की सखियां सखा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था विद्यालय क्रमांक 6 वाल्मीकि बस्ती में। यहाँ पर 40 बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। हमारा यही मतलब संकल्प था कि बच्चियाँ किसी तरह स्वावलंबन बने और अपनी स्वच्छता का ध्यान खुद रखें, और हमने इनको हर दिन ऐसे टिप्स बताए, जैसे किसी दिन हेयर्स के बताए, हेयर स्टाइल बताई और बालों से संबंधित टिप्स बताए, और घर में ही फेशियल कैसे किया जाता है, मैनीक्योर पेडीक्योर और हेयर स्पा कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हमने बच्चियों को दी। हमारा यही मकसद है कि हम बच्चियों को जो पार्लर में खर्चा और समय वेस्ट होता है वो घर में ही अपन करके उसको बचा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने बच्चियों को दी है। 7 दिन तक लगातार कैंप चला है और आगे भी अगर हमें मौका मिला तो हम इनको ना पूरा महीने देकर पूरा महीना स्वावलंबन बनाने की कोशिश करेंगे। और बड़ी युवा मंच सुजानगढ़ सखियाँ की तरफ से उपाध्यक्ष सुनीता जी रावतानी और शर्मिला जी के योग मार्गदर्शन में हमने ये प्रयास किया कि बच्चों को स्वावलंबन की एक सीख दें और तैयार होना सजना संवरना हर लड़की का सपना होता है, तो उसी फील्ड में सुनीता जी को महारत हासिल है और ये एक ब्यूटिशियन है अच्छी, तो इन्होंने 6 नंबर जो वाल्मीकि बस्ती की स्कूल है उसको इसलिए चुना ताकि इन बच्चों को जो वंचित रहती है मुख्यधारा से इनको जुड़ने का जो मौका मिले और इनको जैसा कि इन्होंने बताया कि पैसा और समय दोनों बच सके और हम घर पे ही कुछ साधारण तरीके से जो हमारी चीज़ें उपलब्ध होती है उनके से यूज करके और उनको अपने को सुंदरता बनाए रखने में अपने को व्यक्तिगत स्वस्थ। और सरदार शहर के समाज सेवी डॉक्टर रमेश शर्मा के 57वें जन्मदिवस के अवसर पर गांव ढाणी पांचेरा के नवयुवक मंडल व समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों नवयुवकों व आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुल 72 यूनिट रक्त एकत्रित किया। तारानगर सादुलपुर तहसील के नवयुवकों ने भी रक्तदान शिविर में भाग लिया। डॉक्टर सुनील जांदू के नेतृत्व में डॉक्टर रामपाल ब्लड बैंक चित्रकूट जयपुर से आई टीम ने रक्तदान संग्रहण किया। आदान की कहावत को चरितार्थ करते हुए आज ढाणी पांचरा में नवयुवक मंडल द्वारा डॉक्टर रमेश शर्मा समाज सेवी सरदार शहर से के 57वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। करीबन 60 यूनिट के करीब ब्लड स्टोरेज किया जा चुका है और ब्लड स्टोरेज के लिए बाबा रामपाल ब्लड बैंक जयपुर की टीम लगी हुई है। मेरा 57वां जन्मदिवस है और हर वर्ष की भांति अब की बार सरदार शहर तहसील के गांव ढाणी पांचेरा के नवयुवक मंडल के सदस्यों ने और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर तय किया कि डॉक्टर साहब हम आपका जन्मदिन यहीं मनाएंगे, इसलिए आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी पांचेरा उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी पांचेरा की राजकीय स्कूल में इस कैंप का आयोजन गांव के नवयुवक मंडल के सभी सदस्यों ने सभी खिलाड़ियों ने और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर आयोजन किया। हमारे जयपुर की टीम यहां आई हुई है, डॉक्टर सुनील जी जांदू चूरू से जो RCHO साहब हैं उनके नेतृत्व में ये सारा ब्लड कलेक्शन का काम चल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में जनवरी 2020 सत्र में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 20 जनवरी 2020 कर दी गई है। केंद्र के समन्वयक डॉक्टर MM शेख ने बताया कि सभी प्रकार के आवेदन केवल ऑनलाइन किए जाएंगे व ऑनलाइन आवेदन इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। राजल देसल में भद्रकाली शक्तिपीठ में दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम के सानिध्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में 121 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। कार्यक्रम में कस्बे के अनेकों युवाओं का सराहनीय योगदान रहा। यह रक्तदान शिविर अवधूत स्वामी श्री विश्वेंद्र आश्रम जी के 31वें प्राकट्य दिवस के रूप में रखा गया। रक्तदान का मूलभूत उद्देश्य यह है कि यह शरीर संसार की सेवा के लिए बना है, आत्मा अध्यात्म का चिंतन करने के लिए बनी है। आत्मा से परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो एवं शरीर से संसार की सेवा करो, सेवा के उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। चूरू के सेन मंदिर में आज श्री सेन सेवा समिति द्वारा वार्षिक चुनाव करवाए गए, जिसमें समाज के कपिल भाटी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए कपिल भाटी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज सेन समाज प्रांगण में सेन समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव 3 वर्षों के बाद में रखा गया था। मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का पद दिया गया है, चुना गया है। मैं सभी का
सेन समाज के जितने भी लोग यहाँ पे विराजमान है, बुजुर्ग है, युवा है, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे बनाया है, मैं पूर्ण रूप से उन पर खरा उतरूंगा। जिले में हर बार की तरह इस बार भी सर्दी अपने पूरे परवान पर है। सर्दी में सभी को आशियाने नसीब नहीं होते, लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं जो दूसरों का दुख दर्द भी समझते हैं। इसी सर्दी को देखते हुए रतनगढ़ के सलीम खान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ बेसहारा व जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित कर उनको इस कड़ाके की ठंड से कुछ राहत दी। चूरू के जीके मॉल में संचालित सेराजन थेरेपी सेंटर में आज नववर्ष के आगमन पर नववर्ष स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सेंटर के नियमित सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। रतनगढ़ के गांव जांदवा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने शिविर प्रभारी सुमन जाट के नेतृत्व में स्वच्छता के संबंध में जानकारी देते हुए गाँव के मुख्य मार्गों की साफ सफाई की। वहीं चूरू के बागला विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत आज स्वयं सेवकों ने योगाभ्यास कर योग के महत्व को समझा व भविष्य में योग को नियमित अपनाने का संकल्प लिया। आज बागला स्कूल के NSS के कैंप में बच्चों को प्राणायाम करवाए गए, योगासन करवाए गए। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जायी, भ्रामरी, उद्गीत, इसके साथ साथ ही कई प्रकार के योगासन भी करवाए गए। योगासन और प्राणायाम का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं और इनके करने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, ये बच्चों ने सीखा और नियमित करने का एक संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में हो रहे प्रथम राज्य खेलों के लिए जिले के भामाशाह द्वारा 7,19,000 रुपए का जन सहयोग दिया गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले के विभिन्न ट्रस्टों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सहयोग से एकत्रित की गई यह राशि राज्य क्रीड़ा परिषद को भिजवाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य खेलों में भाग लेने के लिए जिले के खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। एशियन व राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर आयोजित होने वाले राज्य खेलों के प्रथम चरण में चूरू जिले से विभिन्न खेलों में 122 खिलाड़ी भाग लेंगे। आनंद भवन में चल रही रामकथा के 9वें दिन कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने मानस के विभिन्न प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। सुजानगढ़ में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ठरडा रोड पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 40 परिवारों को कंबल वितरित किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम माहिश के नेतृत्व में पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, CI सत्येंद्र कुमार सहित समाज सेवी सरोज कुमार पांड्या, राधेश्याम मारू व अरविंद विश्ववेंद्रा ने कंबल वितरित किए। नववर्ष 2020 ये हम पुलिस वालों ने जो असहाय है, गरीब है, जरूरतमंद है, उनके साथ मनाने का लक्ष्य रखा है और इसके तहत हम DIG साहब बीकानेर और SP साहब चूरू के निर्देशानुसार सभी चूरू पुलिस के द्वारा जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनके साथ हम नववर्ष मना रहे हैं। उसमें जो ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें इन्हीं को सभी को स्वेटर, कंबल, रजाई ये वितरण कर रहे हैं। आज हम सुजानगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत और सुजानगढ़ सेक्टर के जो बाकी थाना क्षेत्र हैं उन सभी में इन असहाय गरीबों के साथ हम नववर्ष मना रहे हैं और इनको हम ये कम्बल और रजाइयाँ बांट रहे हैं। इसमें हम NGO और समाज सेवक हैं, उनका भी सहयोग ले रहे हैं और मेरी इन समाज सेवकों से अपील भी है कि ये लोग जो ये गरीब असहाय हैं, इनको रजाई, कंबल, कपड़े हैं वो बांटें और इस भीषण कड़ाके की ठंड के अंदर बचाव के लिए ये रजाई वगैरह बांटें और इनके साथ नववर्ष मनाकर ये जो अनूठी पहल है हमारे DG साहब के द्वारा जो शुरू की गई है उसमें भागीदार बने और समाज का ये पूरा सहयोग करें। और सर्दी भंकर पड़ रही है तो माने कामला दिया है, गरीब लोग मेसिया मरता मर रहा, मगन लकड़ी छाड़ो नहीं है, ओडन पेरन नहीं है, तो आज पुलिस वाला आया है गाड़िया लेर तो माने कमला देनी है। तारानगर के माइलस्टोन कोचिंग सेंटर में CBO वीरेंद्र सिंह गौतम की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय सेवा में हुए चयन 55 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RS पवन कसवा ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है।
बेटियों को आज भी हमारे समाज में बेटों से कम आंका जाता है, लेकिन जब हमारी बेटियों को किसी भी क्षेत्र में अवसर मिलता है तो सफलता उनकी कलम चूमती है। ऐसी ही कुछ कहानी है सरदार शहर से 35 किलोमीटर दूर गांव बिजारासर की बेटियों की। यहां की बेटियां अब कबड्डी के क्षेत्र में नई नई इबादत लिख रही है। हालांकि यह सफलता बेटियों को इतनी आसानी से नहीं मिली, इस सफलता के पीछे इन बेटियों ने कड़ा संघर्ष किया है। पहले हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पहले गांव वाले भी अचंभा करते थे और घर वाले भी बेचने के लिए मना करते थे और अब तो सभी एक जैसा ही हो गया है, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कहता है। हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है, इसलिए हमारी बहुत दिक्कतें आती है। यहाँ करूँ भाई, पढ़ ले, खेल ले, पढ़ाई में, दौड़ में, सगड़िया में, नहीं तो कुछ कुछ सके मायतन भेन स दादी हूँ मैं, देखो यहाँ करूँ बहुत जी सोर हो रही है मारो। और कितना बजे उठा सुबह? मैं गए मैं 3 बजे 4 बजे। फिर के खेलन जाओगे? दौड़ खेलन दे, दौड़ करने दे, बहुत दूर दौड़ कर गया हुए, फिर आऊँ घरे, फिर नहा धोई करे, और नहा धोई करके स्कूल से खुशी है। हाँ मैं बहुत खुशी है हमें। गांव की 8 बेटियां नेशनल स्तर पर खेल चुकी है, जबकि 12 बेटियां राज्य स्तर पर। गत राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की कबड्डी टीम में 2 बेटियां बिजरासर की शामिल थी। सरदार शहर के छोटे से गांव से निकलकर यह बेटियां दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी कबड्डी के मैदान में अपना जोहर दिखा चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है खेल के तो, पर गांव में ग्राउंड वगैरह की, स्टेडियम की ये दिक्कत रहती है प्रैक्टिस करने के लिए। नेशनल खेल चुकी हूँ 3 बार और खेल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का कैसा सपोर्ट रहा है? गांव का भी बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन घर वालों से बहुत सपोर्ट है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जब बेटियाँ आगे बढ़ती है तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी ये जो पहली बार हमने मैदान शुरू किया तो अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अभिभावक लड़कियों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इस प्रकार से कहते कि ये बच्चों का गेम है, लेकिन फिर हमने समझाया, वो मान गए और आज तो ये अच्छी तरह हमारे पर विश्वास कर रहे हैं और बेटियां भी उन विश्वास को कायम कर रही हैं, देश के ये अपना नाम रोशन कर रही है। कहाँ कहाँ तक खेल लिए आपके बच्चे? अभी हमारे गाँव से बहुत सारी बच्चियाँ नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं और हमारी इस प्रकार की आशा है कि एक दिन ये भारत का झंडा तिरंगा लेकर के विदेशी धरती पर जाए। ये था आज का चूरू अपडेट और अब चलते चलते देखते हैं मंगल सिंह महला का कैरिकेचर। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।